नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब की न्यायिक हिरासत को साकेत कोर्ट ने बढ़ाया। कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली है BSNL की 5G सर्विस, देश भर में लगेंगे टावर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले उदयन राजे भोसले, बोले PM को मामले की गंभीरता का एहसास। अब खबरें विस्तार से। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत को साकेत कोर्ट ने 14 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया है। आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान महरौली थाना पुलिस ने जांच अधिकारी की कोर्ट रूम में मौजूद रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि आफताब 13 दिन की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था और उसका इस दौरान पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो चुका है। फिलहाल दिल्ली पुलिस DNA और FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जहां पूछताछ में शातिर अपराधी ने पुलिस को सदे हुए जवाब दिए हैं, जिस वजह से अभी तक इस मामले में कुछ नए सुराग हासिल नहीं कर पाई है। देश में अक्टूबर से 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए रिलायंस Jio और एयरटेल में देश के प्रमुख शहरों में 5G सर्विस को रोल आउट भी कर दिया गया है। अब भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL भी जल्द 5G सर्विस शुरू करने वाला है, जिसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि BSNL भी 5G सर्विस को जल्द रोल आउट करने वाला है। इसके लिए BSNL टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर काम करेगा और देश भर में लगभग 1.35 लाख टावर लगाए जाएंगे। इन सब में 5 से 7 महीने का समय लग सकता है। इसी के साथ वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करके नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल 5G लॉन्चिंग के बाद पहले एयरटेल और फिर Jio भी देश के कई प्रमुख शहरों में 5G सर्विस को रोल आउट कर दिया गया है। भाजपा सांसद और शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयन राजे भोसले ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की विवादास्पद टिप्पणी का मुद्दा उठाया। PM मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उदयन राजे ने कहा है कि 23 नवंबर को हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और आज भी आधिकारिक पत्राचार किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में रोष है, क्योंकि वह सभी के लिए आदर्श है। प्रधानमंत्री मोदी को मामले की गंभीरता का एहसास है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।